वर्तमान में जब हम एक छोटे से छोटे दान के बदले ढेर सारी प्रशंसा अथवा वाहवाही की कामना रखते हैं, तब श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद से समझिए दान का असल अर्थ। एक बार की बात है, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा, मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई प्रभु, दान तो मैं भी बहुत करता हूं, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं? ये प्रश्न सुन कृष्ण मुस्कुराने लगे और कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हारी ये जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण ने पास में स्थित दो पहाड़ियों को सोने के पहाड़ में बदल दिया। इसके बाद वो अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही ये काम करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया, उनसे कहा, सभी लोग एक पंक्ति बना लें, अब मैं आपको सोना बांटूंगा। और अर्जुन उसके बाद सोना बांटना शुरू कर देते हैं। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार की, खूब उनकी वाहवाही की। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए, गांव वालों को देते गए, सोना तोड़ते गए, गांव वालों को देते। लगातार दो दिन दो रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे, पर सोना खत्म नहीं हुआ। पर इस बीच अर्जुन में कहीं ना कहीं एक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग दोबारा से आकर पंक्ति में लगने लगे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिस सोने की पहाड़ी से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उसमें रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, आकार ज्यों का त्यों था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब मुझसे काम और नहीं हो सकेगा, मुझे विश्राम चाहिए। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अर्जुन अब तुम विश्राम करो। कृष्ण उसके बाद कर्ण को बुला लेते हैं। वो कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने के लिए चल देते हैं। उन्होंने गांव वालों को बुलाया, उनसे कहा, ये सोना आप लोगों का है, जिसको जितने सोने की जरूरत है वो यहां से ले जाए। और बस इतना कह के कर्ण वहां से चल देते हैं। ये देख अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में विचार क्यों नहीं आया? श्री कृष्ण तब उसका जवाब देते हैं और एक शिक्षा प्रभाव से कहते हैं, तुम्हें सोने से मोह हो गया था अर्जुन, तुम खुद ही निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितने सोने की आवश्यकता है, उतना ही सोना तुम उस पहाड़ी से खोद कर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। वहीं दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया, वो सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वो नहीं चाहते थे कि उनके सामने उनकी जय जयकार हो, उनकी प्रशंसा हो। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अर्जुन। ये उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था कि आखिर कर्ण को ही सबसे बड़ा दाता अर्थात दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता है। इस पूरी कथा का सार ये है कि दान देने के बदले में धन्यवाद या फिर बधाई की उम्मीद करना उपहार नहीं, सौदा कहलाता है।